बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है मसूर दाल की। तो मसूर दाल में लोकल डिमांड का अभाव रहने और अच्छी आवक के कारण भाव में मंदी रही है। मंगलवार को 50 रुपए टूटकर 6600 रुपए प्रति क्विंटल ही रह गई थी। फिलहाल अभी मसूर का बाजार घरेलू फसल और मांग के साथ साथ विदेशों पर भी अधिक निर्भर करता है। आपको बता दें कि कनाडा में इस साल मसूर की बुआई बढ़ने की उम्मीद है। कनाडा $880 प्रति टन में नई फसल के शिपमेंट दे रहा है। यदि कनाडा में अगली फसल बंपर आती है तो ही मसूर और में कमजोरी देखने को मिलेगी, अन्यथा बाजार पुनः सुधार देख सकता है। फिलहाल अगले एक महीने तक मसूर के दाम में बड़ी घटबढ़ की उम्मीद कम है, क्योंकि घटे दामों पर मसूर में स्टॉकिस्ट और बड़ी कंपनियों की खरीदी निकलने की संभावना है। तो यानी कि मसूर के दाम अभी हाल फिलहाल में नरम है और बाकी कनाडा पर डिपेंड करेगा कि कनाडा में मसूर की उत्पादन कैसा रहता है, बंपर रहता है या ठीक ठाक रहता है। फिर दूसरा, आने वाले अभी स्टॉकिस्ट भी मसूर दाल की खरीदारी कर रहे हैं निचले स्तरों पर, जिससे कि मसूर में जो गिरावट है उसकी जो आशंका है वो थोड़ी कम ही है, सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं बना रहेगा।